नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देपालपुर में हुआ कृषि कानूनों का विरोध, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया नेतृत्व। नीमच में गणतंत्र दिवस समारोह की पूरी तैयारी, कलेक्टर ने किया परेड का निरीक्षण। कपूरधा पुलिस की सख्त कार्यवाही, जुआ खेलते पकड़ाए 7 जुआरी। अवैध कच्ची शराब से बढ़ता खतरा, पृथ्वीपुर में खुलेआम बिक रही अवैध शराब। नगर पंचायत पृथ्वीपुर के वार्ड क्रमांक 14 में कबूतरा प्रजाति के लोगों ने विगत कई वर्षों से अवैध कच्ची जहरीली शराब के बनावट और विक्रय का कार्य बिना किसी भय के धड़ल्ले से जोरों शोरों से किया है। अब इस बात से शंका जन्म ले रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहरीली शराब के सेवन से मुरैना जैसा हादसा यहां भी घटित हो जाए। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कबूतरा प्रजाति की महिलाएं कच्ची शराब भरकर बेचती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ओर क्या कार्यवाही करता है। छिंदवाड़ा पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल लगातार सख्त कार्यवाही करते हुए अवैध गतिविधियां जैसे जुआ, सट्टा, शराब कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत थाना चोरई के SDOP के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी के कुशल निर्देशन में चौकी प्रभारी कपूधरा ने टीम गठित कर छापामार कार्यवाही की, जिसमें समयवाड़ा से लगे गांव मुड़ियाखेड़ा के जंगल में जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। नीमच में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पर कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा की उपस्थिति में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। बाल मुमुक्षु दीक्षार्थी मालेगांव निवासी 17 वर्ष के बाल ब्रह्मचारी मुमुक्षु जैनम जितेंद्री बोरा का अभिनंदन समारोह स्थानक भवन में आयोजित किया गया। दीक्षार्थी को गांधी मार्ग से एक जुलूस निकालकर स्थानक भवन लाया गया। यहां जैन पाठशाला की बालिकाओं ने नाटक व गीत की सुंदर प्रस्तुतियां दी। दीक्षार्थी का अभिनंदन स्थानकवासी संघ खेतिया के पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन मदन जैन ने किया। देश के कई हिस्सों में अब केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों का विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के देपालपुर में भी कांग्रेस ने एक विशाल किसान आंदोलन आयोजित किया, जिसमें विशाल ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई। ट्रैक्टर रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी और अडानी की सरकार बताया। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक विशाल पटेल, विधायक संजय शुक्ला सहित कई लोग मौजूद रहे। आंदोलन कर रहे हैं। अब ये हमारे नरेश भाई, हमारी जो आर्थिक गतिविधि है इंदौर की, यहाँ किसान आता है, इसके जेब में कुछ पैसा होता है, क्रय शक्ति होती है, तभी हमारे इंदौर का, हमारे बड़े शहरों का बाजार चलता है। ये सब चौपट होने जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। सर, कौशल सारंग जी ने आरोप लगाया है कि कल जो तीन विधेयक हुई थी वो यूथ कांग्रेस के गुंडे थे भोपाल में, क्योंकि ये कह देना गुंडे हैं प्रशासन और शिवराज कहीं उनके पास कहने को कुछ बचा है। शराब की बात करेंगे, शराब पर ध्यान है, आज महिलाओं पर अत्याचार ऐतिहासिक है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा भर्ती बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, ये आज हालात, ये चित्र है। तो मैं तो एक ही अपील करता हूँ मध्य प्रदेश की जनता से कि भविष्य सुरक्षित करके सच्चाई को पहचाने। धार जिले की धर्मपुरी में कन्हैया आजाद खेल और सांस्कृतिक समिति धर्मपुरी ने एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर की 18 टीमों ने भाग लिया। इसमें मंडलेश्वर की टीम ने धर्मपुरी की टीम को 2-1 से हरा कर कन्हैया आजाद खेल और संस्कृति समिति के आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट को अपने नाम किया। कन्हैया आजाद क्लब के तत्वाधान में स्वर्गीय मनोज ठाकुर और स्वर्गीय दिनेश प्रजापत की स्मृति में एक दिवसीय डे और नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 16 टीमों ने हिस्सा लिया और
विजेता टीम रही मंडलेश्वर और विजेता टीम के खिलाड़ियों ने बड़ा ही जोरदार प्रदर्शन किया और उपविजेता टीम रही धर्मपुरी और धर्मपुरी के खिलाड़ियों ने भी जो है बड़ा ही अच्छा ही प्रदर्शन किया और बड़ा रोमांचकारी मैच देखने को मिला है। टूर्नामेंट में विशेष रूप से डीएवीवी वॉलीबॉल टीम के कोच विद्यार्थी सर उपस्थित रहे। पूरे वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में दर्शक पूरे समय वॉलीबॉल मैच का आनंद लेते दिखाई दिए। टूर्नामेंट का आयोजन स्वर्गीय मनोज ठाकुर और दिनेश प्रजापत की स्मृति में कन्हैया आजाद खेल और सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित किया गया था। मीडिया से चर्चा करते हुए डीएवीवी वॉलीबॉल टीम के कोच विद्यार्थी सर ने कहा कि टूर्नामेंट में सारे मैच रोमांच से भरे हुए थे। मंडलेश्वर टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया और यहाँ जो धर्मपुरी जैसे छोटे कस्बे में कितना बड़ा आयोजन हुआ है सचमुच काबिले तारीफ है। विजेता टीम के लिए क्या कहेंगे सर? जो विजेता टीम थापा, जो आपने देखा है संदीप थापा की लिफ्ट, तो मैं बहुत बचपन से उनका खेल देखता आ रहा हूँ संदीप थापा का, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल है उनका। और जहाँ तक की लिफ्ट की बात है, उनकी सेटिंग की बात है, तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि उनकी कंप्यूटराइज्ड। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।